पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता फिर से मोदी सरकार पर भरोसा करेगी। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में तंज कसते हुए कहा कि उन्हें उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती तो जनता कहाँ गंभीरता से लेगी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल जबलपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए डेयरी हब बनाने, पशुपालन सहित किसानों एवं डेयरी संचालकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अगर किसान की आय दोगुनी करना है तो उसको निश्चित रूप से एलाइड एग्रीकल्चर से जोड़ना आवश्यक होगा और जिसमें सबसे अच्छा माध्यम है पशुपालन, चाहे वो गाय का डेयरी हो चाहे भैंसों की, उसी के माध्यम से ये किया जा सकता है। जहाँ पर ज़मीन उपलब्ध हो रही है, कई जगहों में हो गई, कई जगह चल रहा है, और जहाँ पर ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी तो वहाँ उनको डेवलप करके और उनको सबको देंगे जो उनके जानवरों के हिसाब से। तो जहाँ आपको गांव में अगर 100 जानवर दिखते हैं तो उसमें से शायद 20 से 25 जानवर आवारा हों, बाकी सब पालतू किसानों के होते हैं। तो आजकल वो सिस्टम डेवलप कर दिया छोड़ने का, तो उसकी भी आवश्यकता है कि लोगों को समझाइश दी जाए, साथ साथ इसकी योजना बना करके जिससे लोगों के इससे अतिरिक्त आय मिलने लगे तो निश्चित रूप से अपने आप लोग छोड़ना बंद कर दें। इस दौरान राज्य मंत्री ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा सहित इंडिया गठबंधन, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व उतारने को लेकर तंज कसा। हम लोग तो हमेशा तैयार रहते चुनाव के लिए और इस बार तो आप ये 29-29 जीतेंगे हम लोग। कांग्रेस के बाद लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह कमलनाथ जैसे दिग्गजों को उतार रही है, वो जिसको उतारना उसको उतारे और कोई वार तो छोड़ दिया, आप और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी ले आए, उनको लड़ा लें, क्या दिक्कत। एक बार फिर भारत जोड़ो ने आया। देखो यार, उनको तो उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, देश क्या गंभीरता से लेगा। अब उनका ड्रेस कोड ही देखो आप, पहलवान बन के घूम रहे, कोई उनको मानता नेता क्या।